हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पंचजगत वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत जगत मोनेरा के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में आज हम नेक्स्ट जगत सेकेंड जगत प्रोटिस्टा जीवों को रखा गया है, ठीक है। तो इस जगत के अंतर्गत समस्त एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं को उपस्थित होते हैं। इनमें राइबोसोम ये श्वेतकोशी हो सकते हैं। पोषण के आधार पर श्वेतकोशी, परपोषी, मृतकोशी, अथवा परजीवी हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनके अंतर्गत यदि हम जनन देखें बेटा, जनन तो इनमें जनन अलैंगिक विधि के द्वारा और युग्मक संलयन द्वारा अर्थात युग्मनज निर्माण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा होता है बेटा? युग्मनज निर्माण विधि के द्वारा। ये जल में पाए जाते हैं लेकिन कुछ नम्रता में भी उपस्थित होते हैं। यदि इनके वर्गीकरण की बात करें, ठीक है, तो इन्हें कुछ समूहों में बांटा गया है जिनमें क्रैशोफाइट, बी डाइनोफ्लेजिलेट्स, सी यूग्लिनोइड, प्रोटोजोआ।
जगत प्रतिष्ठा है, इस जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत समस्त एक कोशिकी है, लेकिन कौन से जीव बेटा, यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। अर्थात इस जगत में जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं उन सभी को जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत रखा गया है। इनमें वास्तविक केंद्र पाया जाता है, ठीक है, जो कि केंद्र झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होता है। इसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। रेबोसोम की यदि हम बात करें तो इसमें रेबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि कोशिकाएं जैसे बेटा यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये पोषण की दृष्टि से स्वयंपोषी हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं, मृतपोषी अथवा परजीवी के रूप में अर्थात रोगकारक भी हो सकते हैं। इनमें यदि जनन की बात करें तो इनमें जनन अलैंगिक विधि के द्वारा होता है तथा युग्मक संलयन के द्वारा भी अर्थात जायगोट निर्माण के द्वारा भी इनमें जनन होता है। इन समस्त प्रोटिस्टा जीवों को पांच समूहों में या पांच वर्गों में बांटा गया है, जिनमें क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, युग्लेनोइड, अपंग कवक और प्रोटोजोआ को शामिल किया गया है। अब हमें इन एक एक समूह या एक एक वर्ग के लक्षण देखेंगे तथा उसमें आने वाले जीवों के एग्जाम्पल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं क्राइसोफाइट्स। इनकी कोशिका वृद्धि क्या पाई जाती है बेटा, सिलिका। इनकी कोशिका वृद्धि संदूक के समान और डेसिमेट्स
इसमें पाए जाने वाले जीव कौन से हो गए, डेंटम्स हो गए और डेस्पिरेट्स हो गए। तो इसमें जो डेंटम्स है, इस डेंटम्स के कोशिका भित्ति के अवशेष समुद्र के पैदे में जमा होकर टाइटेनियम मृदा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? डायटामिन मृदा का निर्माण करते हैं। इस डायटामिन मृदा के द्वारा इसका उपयोग, यदि हम देखे डायटामिन मृदा का उपयोग, तो डायटामिन मृदा का जो उपयोग है वो पॉलिश करने में, पत्थरों को घिसने में, जालों को चमकाने में तथा जो औषधियां हैं औषधियों के मिश्रण में प्रयुक्त। तो यहां देखो हम बात करें जगत प्रतिष्ठा की, तो जगत प्रतिष्ठा को पांच वर्गों या समूहों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स, नंबर एक क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स, सॉरी एक कोशिकीय प्रोटिस्ट जीव सम्मिलित किए गए हैं। ये जलीय आवासों में पाए जाते हैं तथा कुछ सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। क्या मिलती है बेटा? कोशिका भित्ति में सिलिका तथा इनकी कोशिका भित्ति संदूक के समान दो कपाटों में बटी होती है। इस क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत डायटम्स और डेस्मिड्स को सम्मिलित किया गया है। तो डायटम्स की जो कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति के अवशेष समुद्र के पैदे में जमा होकर वर्षों समय पश्चात डायटमी मृदा में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात डायटम्स की कोशिका भित्ति के अवशेष किसका निर्माण कर लेते हैं? डायटमी मृदा का निर्माण कर लेते हैं। इस डायटमी मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, पत्थरों को घिसने में अथवा उन्हें चमकाने में। इसके अतिरिक्त जो द्रव औषधियां हैं, इन द्रव औषधियों के निस्संदन में अर्थात उनके शुद्धिकरण में किया जाता है। तो ये थे बेटा डायटमी मृदा के उपयोग। नेक्स्ट देखो, अगला समूह या अगला वर्ग है जगत प्रतिष्ठा में। सेकेंड वर्ग है, सेकेंड समूह डायनोफ्लेजेलेट्स का। इस समूह में भी एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जंतु शामिल किए गए हैं। ये भी जलीय आवासों में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट इनका यदि रंग देंगे तो इनका रंग लाल, पीला, भूरा, हरा अथवा नीला रंग होगा। ये जो डाइनोफ्लेजेलेट्स है, इन डाइनोफ्लेजेलेट्स की समुद्री जल सतह पर तीव्र संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इनकी जो तीव्र संख्या में जल सतह पर वृद्धि होती है उसको रेड टाइड या लाल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? लाल तरंग। ये डाइनोफ्लेजेलेट्स समुद्री जल में जैव विष उत्पन्न करते हैं जिससे अन्य जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। जैव विष उत्पन्न करते हैं जो जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोनियोडेक्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे गोनियोडेक्स। ठीक है, तो यहां देखो हम डाइनोफ्लेजेलेट्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सेकंड समूह के बारे में। तो इस डाइनोफ्लेजेलेट्स के अंतर्गत भी एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जीवों को रखा गया है। इस प्रकार के जो जीव है ये जलीय आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा इनकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, इस कोशिका भित्ति में सेलुलोज प्लेटों के रूप में पाया जाता है। किस रूप में होता है बेटा? प्लेटों के रूप में। इनका यदि हम रंग देते हैं तो ये लाल, पीले, भूरे, हरे अथवा नीले रंग के होते हैं। ये डाइनोफ्लेजेलेट समुद्री जल की सतह पर तीव्र संख्या में वृद्धि करते हैं जिसके फलस्वरूप ये पूरी जल सतह को ढक लेते हैं। ठीक है, जिससे जल का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड टाइड या लाल तरंग कहा जाता है। ये जल में जैव विष उत्पन्न करते हैं जो कि अन्य जो जलीय जीव हैं उनके लिए हानिकारक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोनियोलेक्स, तो गोनियोलेक्स एक डाइनोफ्लेजेलेट्स है। गोनियोलेक्स क्या होता है? डाइनोफ्लेजेलेट्स। नेक्स्ट अगला वर्ग है सी, युग्लेनॉइड्स। तो नेक्स्ट वर्ग है बेटा जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत युग्लेनॉइड्स। इसमें भी एक कोशिकीय है प्रोटिस्टा जीवों को रखा गया है।
कोशिका के अनुपस्थित होती है। परंतु शरीर पर एक पतला आवरण उपस्थित होता है जिसे पेलिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे बेटा? पेलिकल। ये श्वेतकोशी होते हैं या परकोशी। तो इस प्रकार की जो जीव है वो पादप व जंतु। पादप जंतु के बीच की योजक कड़ी अर्थात कनेक्टिंग लिंक्स, अर्थात इनमें पादपों के सामान्य यदि लक्षण देखें तो इनमें हरितलवक पाया जाता है, इसी कारण ये श्वपोषी होते हैं। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं ये भोजन निर्माण करते हैं। पर यदि जंतुओं के समान लक्षण देखें तो इनमें शैवाल नहीं पाई जाती, पर प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं के समान भोजन ग्रहण। ठीक है, इन जंतुओं के अंतर्गत लंबाई में समान योजक कड़ी कहा जाता है अर्थात
अर्थात जो युग्लेनोइड जंतु है, इन युग्लेनोइड जंतुओं में कुछ लक्षण तो पादपों के समान तथा कुछ लक्षण जंतुओं के समान पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। जैसे पादपों के समान देखें तो इनमें हरद्रव्य पाए जाते हैं, इसी कारण ये कैसे होते हैं, स्वभोजी होते हैं तथा ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात जब इनको प्रकाश मिलता है तो प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जंतुओं के समान इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और प्रकाश की अनुपस्थिति में ये जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करते हैं। अर्थात होलोजोइक फीडिंग करते हैं, क्या करते हैं बेटा, जंतुओं के समान भोजन ग्रहण अर्थात होलोजोइक फीडिंग का कार्य करते हैं। इन पर लंबाई में असमान दो कशाभिकाएं पाई जाती है, अर्थात इनमें जो कशाभिकाएं हैं वो गमन का कार्य करती हैं। तो इनमें लंबाई में असमान दो कशाभिकाएं उपस्थित होती है, जिनमें से एक कशाभिका छोटी तथा दूसरी कशाभिका बड़ी होती है। ये जीव स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, तो अर्थात अधिकांश जो सदस्य हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे युग्लेना, ठीक है, तो ये करेक्टर्स थे कितने, किसके बेटा, युग्लेनोइड से, किसके थे बेटा, युग्लेनोइड से। नेक्स्ट देखो, जगत प्रतिष्ठा क्या कर रहे, फोर्थ है डी, औपम कवक स्लैमोल्ड्स, ये भी एक कोशिका की है, प्रोटिस्टा जीव होते हैं, इनमें कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती, कोशिका वृद्धि अनुपस्थित है, और कोशिका वृद्धि नहीं पाए जाने के कारण इन्हें कवकों से अलग रखा गया है। ठीक है, तो इनका नाम है औपम कवक, अर्थात ये वास्तविक कवक नहीं है। नेक्स्ट, ये परपोषी या मृतपोषी होते हैं, कैसे होते बेटा, परपोषी या मृतपोषी, जो कि शड़े गले पादप अवशेषों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं बेटा, ये सड़े गले पादप अवशेषों पर। ये जो औपंक परत है ये समूह में रहकर प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं, अर्थात जब ये ध्रुव में उपस्थित होते हैं तो ये किसका निर्माण कर लेते हैं, प्लाज्मोडियम का, लेकिन ये समूह से बिखर कर क्या करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं। तथा फलन काय का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं बेटा, फलन का, फ्रूटिंग बॉडीज का। तो यहां पर देखो, नेक्स्ट है फोर्थ या डी, औपंक कवक या स्लाइम मोल्ड्स, तो ये भी एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जीव होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती इसलिए इन्हें कवकों से अलग किया गया है। ये परपोषी या मृतपोषी होते हैं प्रोटिस्टा, तो ये परपोषी या मृतपोषी प्रोटिस्टा है, ये सड़े गले पादप अवशेषों पर पाए जाते हैं,
तथा जब ये समूह में उपस्थित होते हैं अर्थात इनमें ग्रुपिंग होती है, जब ये समूह में उपस्थित होते हैं समूह में उपस्थित रहकर ये प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं, लेकिन इस समूह से निकलकर ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं और किसका निर्माण करते हैं बेटा, फलन का या फूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। और लास्ट बेटा फिफ्थ या ई जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत फिफ्थ वर्ग है या कैपिटल ई है प्रोटोजुआ। देखिए ना बेटा यदि हम प्रोटोजुआ की बात करें तो ये भी एक कोशिकीय है, प्रोटिस्टा जीव होते हैं, कह सकते हैं एक कोशिकीय। ये परजीवी कैसे बेटा, परजीवी। तो अधिकांश जो सदस्य हैं वो परजीवी होते हैं, कैसे होते हैं परजीवी। ये भी जलीय आवासों में मिलते हैं, तो इसके अधिकांश सदस्य जलीय आवासों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ नम मृदा में, या परपोषी जीव में पाए जाते हैं। जो रोग कारक होते हैं ये रोग कारक तो किसमें होते हैं बेटा, परपोषी जीव में। रोग कारक प्रतिष्ठा प्रपोषी जीवों में पाई जाती है। अब प्रोटोजोआ की बात करें तो इस प्रोटोजोआ को गमनांगों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट है अमीबीय प्रोटोजोआ, देखो जो अमीबीय प्रोटोजोआ है ये अलवणीय जल में पाए जाते हैं, जलीय आवास में कुछ समुद्री जल में, वे कुछ नम मृदा में पर इनमें गमन कूट पादों के द्वारा होता है। तो गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, सुडोपोडिया या कूट पाद पाए जाते हैं। गमन के अतिरिक्त ये शिकार को पकड़ने का भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं बताइए, गमन के अतिरिक्त शिकार को भी पकड़ने का कार्य करते हैं। ये कुछ सदस्य रोगजनक भी होते हैं, जैसे एंट अमीबा
स्टोरी का नामों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, जिनमें से पश्व है, अमीबी है, प्रोटोजोआ। तो ये एलमनीय जलावासों में पाए जाते हैं, इसके कुछ सदस्य समुद्री जल में भी पाए जाते हैं एवं कुछ सदस्य नम मृदा में उपस्थित होते हैं। इनमें गमन कूटपादों के द्वारा होता है, अर्थात इनमें स्यूडोपोडिया या कूटपाद पाए जाते हैं। ठीक है, इन कूटपादों के द्वारा इनमें गमन होता है, लेकिन ये कूटपाद शिकार को पकड़ने में भी सहायता करते हैं। तो इनमें पाए जाने वाले जो जीव है किसमें, अमीबी प्रोटोजोन्स में, जैसे अमीबा है। ठीक है, इसके कुछ सदस्य रोगजनक भी होते हैं, जैसे कि एंड अमीबा स्टोलिटिका, ये मनुष्य में अमीबीय पेच से उत्पन्न करता है। नेक्स्ट सेकेंड है इसमें कशाबिक प्रोटोजोआ, तो इसमें गमन कशाबिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, कशाबिका के द्वारा। ये मनुष्यों में अफ्रीकी निद्रा नामक रोग उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिप्नेसोमा, सेकेंड है कसाबी प्रोटोजोआ, जिसमें गमन कसाबिका के द्वारा संपन्न होता है, तथा ये मनुष्य में निद्रा नामक रोग उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिप्नेसोमा। थर्ड प्रोटोजोआ जीव है पक्षमाभी प्रोटोजोआ, इनमें गमन पक्षमाभिका या शीलिया द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैरामीशियम, और फोर्थ है स्पोरोजोआ। तो जो स्पोरोजोआ है ये परजीवी होते हैं, इसके सभी सदस्य कैसे होते हैं बेटा, परजीवी। ठीक है, ये मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो ये थे बेटा
जगत प्रतिष्ठा के प्रोटोजोआ समूह में शामिल प्रोटोजोआ में जीव जिन्हें अमीबीय प्रोटोजोआ, कसादिक प्रोटोजोआ, पक्षमादी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ में विभक्त किया गया था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।